हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजिकल इंडिया। एंड मेरा नाम रितिका है और आज मैं आपके लिए गिटार की वीडियो लाई हूँ। तो गिटार में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने गिटार के अंदर में जो कभी आपकी गिटार की तार टूट जाती है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये टूट जाती है, तो आपको शॉप में जाना पड़ता है उसको लगवाने के लिए। आप खुद से नहीं लगा पाते, या आपको डर रहता है लगाने में कि कहीं फिर से ना टूट जाए, नई तार ना टूट जाए। तो इसलिए मैं आपको आज सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने गिटार के अंदर तार को खुद से अपने आप से अपने घर में लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप को मान लीजिए कि ये जो सबसे पतली वाली तार है जो मैं लगा रही हूँ, ये तार, ये आप आज मैं लगा के बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तार को आप यहाँ पे एक होल होता है उसके अंदर में आप ऐसे डालोगे। अभी आप इस तार को चाहो तो आप नीचे से इधर से ऊपर की तरफ डाल सकते हो, और या आप चाहो तो इसको ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ डाल सकते हो, ठीक है। अब ये तार ऐसे डालने के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि आप इस वायर को लो लेके थोड़ा सा ऐसे मोड़ दोगे, इसको बेंड कर दोगे ऐसे थोड़ा सा, इस तरह से आप इस तार को थोड़ा सा अंदर की तरफ वापस मोड़ दोगे। अगर ये स्टेप आप नहीं करोगे तो आपकी तार बार बार ढीली होएगी, तो आपको ये स्टेप करना जरूरी है, ठीक है। तो गिटार आपका बार बार अनटोन भी होगा अगर आप इस स्टेप को नहीं करोगे। तो इस ऐसे करने के बाद में अब आपको वापस इस तार को इधर की तरफ मोड़ना है, ठीक है। जिधर आपकी इधर इधर की तरफ आपकी क्लॉक घूमती है, तो आपको इसको उल्टा घुमाना है इस तार को। और ये जो हमने मोड़ रखा है इसको हम ऊपर कर देंगे और इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे। तो अभी हम इस तार को ऐसे से इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। और आपको इसको वायर को जब आप इसको राउंड करते हो तो आपको नीचे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपका तार जो है ये रोल ना होए। ये ऐसे ऐसे रोल हो जाता है तार जो है, तो ये स्ट्रिंग रोल होने की वजह से उस जगह से टूटने का डर रहता है। तो इसी वजह से हम पहले इसे इस जगह पे नहीं जोड़ते हैं, वरना इस जगह पे जोड़ के तो और भी ज्यादा सुविधा होती। बट ये यहाँ पे अगर हम पहले लगा देंगे इस तार को, तो यहाँ पे जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये हमारा तार भी राउंड होने का डर रहता है, तो ये राउंड होके ये जो स्ट्रिंग है ये टूट सकती है। इसलिए सबसे पहले आप इसे इस जगह पे राउंड करोगे, ठीक है। और इस तार को एक बार नीचे नीचे ला के चेक भी करना है कि ये यहाँ तक आया कि नहीं आया। तो जैसे कि अभी ये नहीं आया है तो हम इसे फिर से राउंड करेंगे। तो और अब जो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक खांचा ये दिया हुआ है, कट दिया हुआ है, इस कट के अंदर में आपको इस तार को ऐसे फंसाना है और फिर आपको सीधे सीध में इसको नीचे लाना है। सीध में इसको नीचे लाके अब आप देख रहे होगे कि आप यहां तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे हमें एक ये जो गिटार के अंदर इसे बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं, इसे ब्रिज बोलते हैं, और ये होती है ब्रिज पिन। तो इसमें भी आप देख रहे होगे कि इस पिन में भी आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक क्रैक, तो ये कट इसमें दिया हुआ है। तो इस कट को आप इस ऊपर की तरफ रखोगे, तो ये आप ये जो तार है इस कट के अंदर से ये तार जाना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा नहीं सही है, थोड़ा सा ढीला करेंगे हम इसको डालने के लिए। अभी मैंने इस ब्रिज पिन को फिक्स कर दिया है। अब तार लगा लिया, जब स्ट्रिंग लग गई है तो अब हम इसे करेंगे टोन। गिटार को हम टोन करेंगे, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो नीचे की वायर होती है इसे E4 बोलते हैं, और ये हमारे पास में एक ट्यूनर है
पिचलैप नाम से। तो इस ट्यूनर से हम गिटार को टोन करना सिखाएंगे। अभी अभी तो ये बिल्कुल टोन ही, तो हम इसे इस तरफ घुमाएंगे, जिधर की तरफ ये ढीली है ना, जिधर की तरफ आपको इसे टाइट करना है उधर की तरफ आप इस नट को घुमाओगे। आप यहां से देख भी सकते हो, ये आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ। तो अभी आप जब इसे ट्यून करोगे तो ये जो यहाँ पे आपको ट्यूनर में दिख रहा होगा, ये वायर होती है, गिटार की वायर दिख रही है, ये धीरे धीरे करके पहले ऊपर जाएंगी, फिर वापस ये ई फोर पे आएगा, क्योंकि अभी ये काफी लूज है, इसलिए अभी ये जी थ्री पे, से करना पड़ता है कि टूटने का भी डर रहता है इसमें। अभी आप देख रहे होंगे कि ये ई फोर पे आ गई है, बट अभी ये थोड़ी लूज है। कंटिन्यूसली इसे एक ही साइड में घुमाते रहना है टाइट करने की जगह पे। स्ट्रिंग ट्यून हो गई है। अभी आप इस जो नई स्ट्रिंग आप लगाती हो या नया गिटार लेते हो, तो उसे कम से कम 2-3 बार शुरू में ट्यून करना पड़ता है, वो फिर से लूज जाती है। तो अभी आप जितने इसको बजाओगे फिर से ये लूज हो सकती है। अभी तो फिलहाल ये ट्यून हो गई है। तो ऐसे करके आप अपने गिटार की स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो और बाकी आप ट्यूनर से ट्यून कर सकते हो। अभी जो ये गिटार है इसमें थोड़ा चेंज होता है, आजकल जो गिटार है ऐसे गिटार भी आ रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पे सिंपल तरह से वायर को इस होल के अंदर से निकालना है, और यहाँ से आपको सबसे पहले आपको यहीं पे ही डालना है, क्योंकि आप बाद में इसको यहाँ पे नहीं डाल सकते, बिकॉज यहाँ पे एक दिया रहता है। तो यहाँ पे आप यहाँ से बाद में इसको नहीं डाल सकते, इसलिए पहले आपको यहाँ से डालना होता है, उसके बाद में आप तार को ट्यून करते हो। तो ऐसे ही करके आप गिटार को अपने वायर आप लगा सकते हो, स्ट्रिंग अपने आप से लगा सकते हो गिटार में और उसे ट्यून कर सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, देन टेक केयर, बाय।